सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज मैक्स कस्टम और मैं हूं भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो की। सो गाइस जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जब ये गाड़ी पूरी रेडी हो जाएगी तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। सो आज वो दिन आ चुका है जब मैं इसकी वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो आज इसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस आपने लेटेस्ट मेरी वीडियो देखी होगी, ये गाड़ी मैं तैयार करवा के लेके आया था अपने भाई की लुधियाना से, जिसमें हम इसमें टायर अलॉयज डलवा के लेके आए थे। और आज आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूँ इस गाड़ी का कि इस गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है और टोटल खर्चा कितना आया। उस वीडियो में गाइस मैं बता नहीं पाया था आपको कि कितना टायर अलॉय का खर्चा आया था। इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि कितना खर्चा आया हुआ था। सो गाइस इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए, इसके सिनेमैटिक शॉट्स आप इंजॉय करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक लाइक करिए। From the tile and I'm hating the slack, couple man slid around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो इस स्कॉर्पियो के ऊपर होने वाली है। मौसम थोड़ा खराब है, हवाएं चल रही हैं जैसे आप पेड़ देख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर वॉइस प्रॉब्लम आई तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले आप देखिए गाइज, ये S8 है जो अपना मॉडल है गाड़ी का और एकदम लेटेस्ट है, 2020 एकदम ब्रांड न्यू है। जैसे पन्नी आप देख सकते हैं गाड़ी में चढ़ी हुई है। पहले एक मैं वॉक अराउंड करवाता हूँ, आप अलॉयज चेक कर सकते हैं। इसके मिशलिन के हमने टायर स्टिकर लगवाए थे रेडियम के। सो ये रात को जो है गजब की लुक देते हैं गाइज। और यहाँ पे ये है इसका रियर एकदम नॉर्मल है। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा स्कॉर्पियो के बारे में भी बताऊंगा कि कैसी गाड़ी है स्कॉर्पियो और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किस बजट में पड़ती है, कैसे कैसे क्या है इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस। सो ये हो गया गाड़ी का एक गाइस वॉक अराउंड। अब मैं डिटेल बताता हूँ आपको कि इस गाड़ी में क्या क्या हो रखा है। सो होप आपको जो इसकी फ्रंट से लुक्स हैं वो पसंद आ रही होंगी गाइस। सो गए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये गाड़ी अपने को पड़ी अराउंड 16,50,000 रुपये की, ब्रांड न्यू। बाकी इसमें जो टायर अलॉयज वगैरह हैं वो सब अलग हैं, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में जो है बताऊँगा। सो सबसे पहले आप चेक करें ब्लैक कलर की गाइस, गाड़ी कोई भी लो ब्लैक कलर की एक नंबर लुक आती है। अभी इस पर सिरामिक कोटिंग भी होएगी इस गाड़ी के ऊपर, जब सिरामिक कोटिंग हो जाएगी तो गाड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक लगेगी। इसकी जो शाइन है, पेंट क्वालिटी है, उसमें ज़मीन आसमान का जो है फ़र्क आने वाला है। बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ सब अपने व्यूअर्स को, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं भाइयों को, कि जब भी आप कोई ब्लैक कलर की गाड़ी ले या आपके परिवार में आपको फ्रेंड सर्कल में कोई ब्लैक कलर की गाड़ी लें तो उसे सिरामिक कोटिंग जरूर करवाएं। उससे क्या है, पेंट की लाइफ बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है और जो शाइन आती है गाइज ऐसी आती है जैसे शोरूम से भी, मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि शोरूम से जस्ट नई निकल के आई हो। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे। सो फ्रंट जो है इसका गाइज बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे अभी कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं हो रखी है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये लाइट्स लगी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ देखिए, ये लाइट
ब्रेक्स जो है गाइस हमने बाहर से इंस्टॉल करवाई थी, लुधियाना से ही, जब ये गाड़ी के टायर अलॉय का काम हो रहा था तभी ये हमने इंस्टॉल करवाई थी। सो ये आगे से देखिए, अब जैसे धूप भी आ गई तो थोड़ा और बढ़िया आपको व्यू आएगा गाड़ी का। सो यहाँ पे आप देखिए इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ये हैं इसके गाइस DRLs यहाँ पे दे रखे हैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो के। सो यहाँ पे कुछ नीचे आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिलेंगे। बम्पर जो है गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है। फ्रंट ग्रिल आप चेक कर सकते हैं स्कॉर्पियो की, सो नेक्स्ट लेवल जो फ्रंट ग्रिल है इसमें आपको वो दे रखी है। साथ में आपको बीच में जो है महिंद्रा की बैजिंग हुई हुई मिल जाएगी। सो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो गाइस काफ़ी बड़ा इसमें जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। सो काफ़ी ह्यूज है ग्राउंड क्लियरेंस और मस्त ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस। आप कभी भी ऑफ रोड पर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की कभी कोई बात आती नहीं है। सो गाइस फ्रंट में भी आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। सो ये फ्लैप्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, ये पूरे अटैच्ड फ्लैप हैं गाइस यहाँ पे आगे से लेके उधर तक, इधर से लेफ्ट से लेके राइट तक पूरे अटैच्ड फ्लैप्स जो है आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। टर्न इंडिकेटर्स इसमें इस टाइप के देखेंगे। जो हेडलाइट है गाइस वो इसकी स्मोक्ड है, थोड़ी सी ब्लैक टाइप की आपको देखने को मिलने वाली है। सो इसकी लुक्स को और ज़्यादा बढ़िया बनाती है। सो उसके बाद गाइस आ जाती हैं यहाँ पे इसके अलॉयज। सो ये हैं इसके अलॉयज, मिशलिन के टायर स्टिकर्स लगे हुए हैं विद स्ट्रिप्स। सो ये स्ट्रिप्स जो हैं गाइस ये जलती हैं, बल्कि मिशलिन के जो लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स ये भी जो हैं जलते हैं। टायर इसमें सोनर का डलवाया हमने 285, जिसका नंबर है 285/50R20। प्रोफाइल हमने 50 रखी है, 45 नहीं रखी, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड में भी जो है यूज़ होती है गाड़ी तो दिक्कत ना आ जाए, तो इस वजह से इसकी प्रोफाइल को 50 रखा गया है। एलॉयज का डिज़ाइन देखिए गाइस, गन मेटल में है ये डिज़ाइन और कुछ इस टाइप का स्पोक्स डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ चेक करिए, एक नंबर गाइस, एक नंबर। ये हमको बढ़िया एक बढ़िया डील में मिली थी, अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि टोटल कितने का खर्चा आया है इसमें। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलने वाली है गाइस इसके अंदर, और VMs आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे टर्न इंडिकेटर LED में, ये चीज़ चेक कर सकते हैं। फुटस्टेप देखिए गाइस, ये स्टॉक फुटस्टेप है। पहले तो ये बात हो रही थी कि ये फुटस्टेप उतार दिया जाए, बट हमें रमन जी ने जो वेलोसिटी के ओनर हैं उन्होंने ये सलाह दी कि फुटस्टेप उतारने के बाद जो गाड़ी की लुक है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आती, थोड़ी देसी टाइप की लुक आती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको साइड में रियर डोर में स्कॉर्पियो की बैजिंग हुई दिख जाएगी, वो भी आपको 3D प्रिंट में जो है देखने को मिलने वाली है स्कॉर्पियो की बैजिंग सिल्वर कलर की मैट में। और रियर से आप इसके व्हील्स देखिए, इस टाइप के कुछ आपको दिखने वाले हैं। जो ग्रिप है टायर्स की वो ये है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एकदम ब्रांड न्यू है, जैसे कि जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही, 2-3 दिन पहले ही लगवाए थे। सो ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप, रियर से ऐसे कुछ देखने को मिलने वाला है। रियर बम्पर आप इसका चेक कर सकते हैं, एकदम स्टॉक बम्पर है। यहाँ पे भी एक फुटस्टेप दे रखा है यहाँ पे रियर में, ताकि आराम से बंदा जो छोटी हाइट का है वो डिक्की में बैठ सके, या फिर कुछ भी पर्पज़ के लिए ये चीज़ यूज़ आ सकती है। सो उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे, सो आपको डी शेप में आपको इसकी लाइट्स मिलेंगी, जैसे ये नया मॉडल है तो डी शेप में इसकी लाइट्स मिलेंगी। माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी, स्कॉर्पियो की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी, साथ में S9 जो इसका वेरिएंट है उस चीज़ की बैजिंग आपको मिलेगी। इनफैक्ट एक और बात बता दूँ गाइस यहाँ पे, तो स्कॉर्पियो की आपको यहाँ पे लाइट में भी जो है लिखा हुआ मिल जाएगा, लाइट के अंदर ही ये इनबिल्ड है। सो लाइट्स इसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी रियर बूट की। सो रियर बूट में आपको ब्लैक कलर की, जैसे गाड़ी है तो बॉडी कलर आपको बूट मिलने वाला है, और साथ ही में आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की ये प्लेट मिलने वाली है यहाँ पे। सो इसी चेक कर सकते हैं, साथ में आपको महिंद्रा की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। रियर स्पॉयलर भी आप चेक कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, ब्लैक कलर का रियर स्पॉयलर ऊपर लगा हुआ है, रूफ रेल्स हैं इस गाड़ी के अंदर। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको रियर वाइपर मिलने वाला है, रियर डिफॉगर है जैसे मैंडेटरी होता है ये। यहाँ पे टो हुक आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट रिफ्लेक्टर के नीचे ही टो हुक दे रखा है इसके अंदर। सो साइड प्रोफाइल्स कुछ इस टाइप की हैं, और एमहॉक इंजन है गाइस इसके अंदर D140। सो ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी भी बैजिंग यहाँ पे हो रखी है। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत मस्त बनी हुई है, अभी इसमें थोड़े बहुत काम और होने हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रॉपर और वीडियो जो है इसकी बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ अपने भाइयों को कि कैसी गाड़ी है, क्या क्या इसमें लोडेड है। सो ये चीज़ चेक कर सकते हैं हम यहाँ से, बहुत ही खतरनाक और स्टनिंग लुक दे रही है। होप आपको जो सिनेमैटिक शॉट जो हैं इसके पसंद आए होंगे। अब थोड़ा इंटीरियर्स वगैरह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब बेज कलर के आपको डोर पैनल्स जो हैं इसके देखने को मिलेंगे, लगभग बेज ही कलर का आपको इसमें इंटीरियर जो है देखने को मिलेगा, ब्रांड न्यू है जैसे एजेंसी से। और ये कुछ इस टाइप के मैट्स डलवाए थे भाई ने वहीं लुधियाना से। सो ये चीज़ चेक कर सकते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव मैट्स हैं ये, और बढ़िया लग रहे हैं प्रॉपर फिटिंग के साथ जो है इसके
इसके अंदर मैट्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मैं जैसे अंदर गया स्कॉर्पियो के, सो स्कॉर्पियो में आपको सारे स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉइस कंट्रोल और कुछ इस टाइप का इसमें MID दे रखा है यहाँ पे, जो कि बहुत बढ़िया लगता है गाइस। स्कॉर्पियो वन ऑफ द बेस्ट कार है हैंडलिंग वैंडलिंग के लिए, मज़ेदार है, इसको आप ऑफ रोड भी चला सकते हैं। सेंटर कंसोल आपको कुछ गाइस इस टाइप का देखने को मिलने वाला है स्कॉर्पियो के अंदर। और यहाँ पे ये स्विच दे रखा है गाइस, ये फ्रंट लाइट्स का स्विच है जो यहाँ पे दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें दो एयरबैग्स हैं जो दे रखे हैं यहाँ पे, आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है S9 वेरिएंट के अंदर और कुछ इस टाइप का इसका फ्रंट डैशबोर्ड है बेज और ब्लैक कलर का। यहाँ पे आपको फ्रंट में दो एयरबैग मिलेंगे लेफ्ट और राइट में, और ये है इसका ग्लोव बॉक्स गाइस, ग्लोव बॉक्स भी जो है काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, बट जो इसका टॉप मॉडल है जैसे S11, सो उसके अंदर आपको ये चीज़ क्रोम देखने को मिलेगी। साथ में AC वेंट्स आप देख सकते हैं, AC वेंट्स के चारों तरफ भी काफी ज्यादा क्रोम का जो यूज हुआ हुआ है। जो गाइस इसके हैंडल्स हैं, ये देखिए आप, ये वाले हैंडल्स जो हैं डोर हैंडल्स, ये काफी स्ट्रॉन्ग हैं और ड्यूरेबल हैं, हमेशा बहुत बरकरार रहते हैं चाहे वो नई स्कॉर्पियो हो चाहे पुरानी। यहाँ पे आपको गाइस सनशेड का ऑप्शन मिलने वाला है, सो ये चीज चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे सनशेड आपको रखने को मिलेंगे। सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं, रियर AC आपको यहाँ पे वेंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जहाँ ग्लास पड़े हुए हैं यहाँ पे आप और भी चीजें जो है अपनी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही में आपको यहाँ पे दो जगह और स्पेस जो छोटा छोटा दिया हुआ है, यहाँ पे एक पैड रखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना फोन वगैरह जो भी है वो इजीली आप कैरी कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो 4-door स्पीकर्स लगे हुए हैं गाइस इसके अंदर, जो कि बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी शायद से इसमें स्पीकर्स वगैरह भी जो है हम इंस्टॉल कराएंगे। उसके बाद रियर दिखा देता हूँ एक बार और आपको, सो रियर में कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलने वाली है ये स्कॉर्पियो, सो ये चीज़ चेक करें। रियर फोल्डेबल सीट्स हैं इसके अंदर, स्पेशियस गाड़ी है गाइस, आराम से 7-8 बंदे इसके अंदर बैठ के घूम सकते हैं। मैटिंग कुछ इस टाइप की देखने को मिलने वाली है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, जैसे भाई जिम जाते हैं तो यहाँ पे उसका शेकर होल्डर रखा हुआ है, शेकर रखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे गाइज एक और होल्डर दे रखा है, यहाँ पे आप अपना कोई भी चीज़ जो है कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल गाइज गाड़ी मेरे हिसाब से तो 10/10 है। स्कॉर्पियो गाइज महिंद्रा की सबसे ट्रस्टेड गाड़ी है ये आज तक और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल। सो होप आपको गाइज ये गाड़ी ओवरऑल पसंद आई होगी। तो मैं इसके टायर अलॉयज का जो एग्जैक्ट प्राइस है वो आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो के साथ गाइज अब बस एंड तक जुड़े रहिए। तो गाइज ये थे मेरी आज की वीडियो, होप आपको जो ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है ये पसंद आई होगी। जैसे मैंने बताया था गाइज, आप जब भी कोई ब्लैक कलर की गाड़ी लें तो ज़रूर उस पर सिरामिक कोटिंग कराएं, उससे जो पेंट की क्वालिटी है वो भी बढ़ती है और लाइफ भी बढ़ जाती है, और जो गाड़ी की शाइन है वो ऐसी हो जाती है, मतलब मज़ेदार लश्कारे मारती है जो गाड़ी। सो अब मेन बात पे आ जाते हैं हम कि इसके टायर अलॉयज कितने के बिके और ये कितने के डले। सो गाइज ये 20 इंच हैं, जो टायर जो अलॉयज का सेट है 4 पीस का वो हमें अराउंड पड़ा 61,000 का, और जो इसका सोनर का टायर है गाइज ये हमें अराउंड पड़ा 16,000 रुपये का एक। सो 1,00,000 रुपये से ऊपर की जो है बजट चला गया था। सो उन्होंने वेलोसिटी वालों ने ये टायर जो हमारे पुराने टायर हैं वो काटे अराउंड 34,000 के चारों टायर, और 8,000 की उन्होंने स्टेपनी भी काटी है, तो अराउंड 42,000 रुपीज़ के वो टायर अलॉय कटे हैं टोटल, मतलब जो रिम थे और टायर से वो पांचों कटे हैं। और उन्होंने एक और हमें एक नई ब्रांड न्यू स्टेपनी दी है जो कि 20 इंचेस के साथ लगेगी, क्योंकि अगर गाइज वो जैसे छोटी स्टेपनी थी ये बड़े टायर हैं तो गाड़ी ऐसे डिसबैलेंस हो जाती है, तो उस उन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें एक बहुत अच्छी डील प्रोवाइड करी। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, एक और जो वीडियो है वो मैं अभी शूट करने वाला हूँ, उसकी आप वेट करिए। सो एनीवेज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम। मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस को गाइज देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर।